हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज वन ऑफ रिग्रेशन तो उससे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि इसका मेन जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो क्या है रिग्रेशन इक्वेशन में हम पढ़ेंगे दो टाइप की सीरीज होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज और ग्रुप डाटा जो इंडिविजुअल सीरीज़ होंगी उसमें आप क्या क्या फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन और रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग रिग्रेशन कॉफिशियट टू मैथड से हम इसको सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ को नॉर्मल इक्वेशन से और रिग्रेशन कॉफिशियंट से और जो हमारे पास है ग्रुप डाटा है उसको हम करेंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन और ये कॉरलेशन एस डी ऑफ एक्स एस डी वाई मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई ये सारा लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट है उसको हम करेंगे इस मैथ ये इस एक्सरसाइज में करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन या फिर उसको हम बोलते हैं लिस्ट स्क्वेयर मैथ तो फर्स्ट है हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन ये हम नॉर्मल का कर रहे हैं वाई ओन एक्स कैसे निकालते हैं इसको हम पहले कर चुके हैं वाई ऑन एक्स वाई को पहले रखो इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इज टू ए प्लस बी एक्स तो समेशन टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड हमने समेशन कर दिया ये समेशन वाई हो गया ये समेशन ए ये समेशन बी एक्स अब जो समेशन ए है ए हमारे पास समेशन वाई ए क्या बन गया बहुत सारे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या बन गए हमारे पास एन ए उसके बाद हमारे पास है बी बाहर आ गया हमारे पास और ये समेशन एक्स क्योंकि एक वेरिएबल था उसके साथ लग जाएगा समेशन बी जो हमारा वो कॉन्स्टेंट टर्म है उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर लिया समेशन देखो यहाँ y है तो x से करना है x वाले में y से करना है समेशन x ऑन बोथ साइड तो ये बन गया हमारे पास समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू अब हमारे पास इसके साथ समेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो n हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a के साथ ही अप्लाई हो गया a इंटू समेन एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स के अब यहाँ से जब हमारे पास कॉफिशियंट आएगा रिग्रेशन कॉफिशियन कैसे निकलेगा रिग्रेशन कॉफिशन जो हम निकालेंगे बीवाई एक्स वो होगा एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपोन में आपका क्या रहेगा जो एक्स वाई ऑन एक्स है ना एक्स वाला है तो एक्स वाले को ही अपोन में रखेंगे एन इंटू समेशन एक्स स्क्र माइनस समेशन एक्स होल्स स्क्वायर एन इंटू समेशन एक्स स्वयर माइनस समेशन एक्स होल्स स्क्वायर और जो ए की वैल्यू होगी हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है लास्ट में ये वाले यहां से निकाल सकते हो तो आप ए जो है ए इज इक्वल टू ये वाई है माइनस बी एक्स हो गया और इनके साथ आप मीन एक्स बार लगा देंगे ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार नेक्स्ट है आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई ये भी सेम है अगर ऊपर वाला आपको समझ में आ गया है तो रिग्रेशन इक्वेशन जो है एक्स ऑन वाई आप कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्स लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई इसी से कर लो आप एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई समेन टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड ये बन जाएगा एन ए प्लस बी समेन वाई एक्स है तो समेशन वाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए समेशन एक्स वाई और ये हो जाएगा ए समेन वाई प्लस यहाँ हो जाएगा बी समेन वाई स्के अब ये जो यहाँ पर हम बी एक्स वाई निकालेंगे वो क्या होगा वाई वाला तो अपोन में आ जाएगा एन इंटू समेशन वाई स्केयर माइनस समेशन वाई होल्स केयर और जो न्यूमिनेटर पार्ट है वो दोनों का सेम रहेगा एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपोन एन इंटू समेशन वाई स्केयर माइनस समेशन वाई का होल स्केयर अब इसके एग्जाम्पल हम पहले कर लेते हैं और जो इसमें ए की वैल्यू होगी वो यहीं से एक्स माइनस बी वाई मतलब जीरो लगा दिया था इसके लिए ताकि आपस में दोनों में ओवरलैप ना हो तो ए ज़ीरो जो होगा हमारे पास एक्स बार माइनस बी ज़ीरो वाई बार यहीं से यही आ जाएगा ए इक्वल टू तो एक्स बार माइनस बी वाई बार अब हम इक्वेशन एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर मेथड लिस्ट स्क्वायर मतलब नॉर्मल इक्वेशन वाला एस्टिमेट भी करना है जब वाई हमारा टेन हो फाइव तक की वैल्यू गिवन है हमें अगर वाई टेन है तब हमारी वैल्यू क्या होगी एक्स की अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमें क्या चाहिए नॉर्मल के लिए हमारे पास ये टर्म्स हमें चाहिए हैं एक तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाए एक की ये बन जाए ठीक है एक्स ऑन वाई ले लो या वाई ऑन बाकी इसने बोल रखा है एक्स ऑन वाई वाला ही लेना है तो हम एक्स ऑन एक्स ऑन वाई वाला ही लेंगे मतलब एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई चाहिए हमें और एक हमें क्या चाहिए है वैल्यू निकालनी है पहले ए और बी की ए और बी की वैल्यू के लिए हमारे पास दूसरा ये इसमें वैल्यू ले लीजिए समेशन एक्स वाई इज इक्ल टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी समेशन वाई दोनों में समेशन वाला ही चलेगा क्योंकि सम चाहिए हमें यहाँ समेशन एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समे वाई और यहाँ से जब मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से ए summation वाई प्लस बी समेन वाई स्केयर मतलब एक इक्वेशन ये चाहिए हमें एक ये ये वैल्यू चाहिए हमें समेशन एक्स तो समेशन एक्स इन सब का टोटल एक्स थे हमारे पास एन फाइव है summation एक्स हो गया फिफ्टीन यहाँ फिफ्टीन पुट हो जाएगा इजिकल टू एन है हमारे पास फाइव और ए की वैल्यू नहीं है प्लस बी भी नहीं है समेशन वाई कितना हो जाएगा वाई वाले को प्लस कर लो समेशन एक्स स्केयर में इनको स्केयर करके स्केयर करो और फिर इनको प्लस कर लो ऐसे ही वाई वाला में स्केयर करो फिर प्लस कर लो और फिर एक्स वाई हमें चाहिए एक समेशन एक्स वाई एक्स की वाई से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा अब एक्स ऑन वाई है इसलिए हमारे पास दोनों की इसकी वैल्यू पुट करके ये आया इसकी करके आया एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो क्या होगा हमारे पास दोनों को सेम बना लीजिए किसी को भी फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव ये सेम बन सकता है हमारे पास तो फर्स्ट इक्वेशन को फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइव से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा आएगा सेवेंटी फाइव 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 या ट्वेंटी फाइव फाइव ये करेंगे तो वन ट्वेंटी फ़ाइव इसको ऊपर रख लिया हमने एट्टी एट इज इक्ल टू ट्वेंटी फाइव ए वन फिफ्टी वन फिर इसको माइनस करके कट कर हो गया ये तो यहाँ बच गया हमारे पास ट्वेंटी सिक्स बी और यहाँ आ गया थर्टीन तो बी की वैल्यू आ गई वन बाई टू जो बी की वैल्यू वन बाई टू आई है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए ए की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अब ए और बी की वैल्यू आने के बाद आप सीधा उसमें पुट कर दीजिए ए की वैल्यू आ गई हमारे पास ज़ीरो पॉइंट फाइव जीरो अब हमने स्टार्टिंग में जो था हमारे पास एक्स इजिकल टू ए प्लस बी वाई ए की वैल्यू पुट कर दी बी की वैल्यू पुट कर दी और वाई ऐसी तो हमारी ये इक्वेशन बन गई अब इसने बोला था अगर हमारे पास वाई जो है हाँ टेन है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वाई की जगह इस वाई की जगह टेन पुट कर लिया हमने इस इक्वेशन में तो ये आ गया फाइव पॉइंट फाइव नेक्स्ट दूसरा मेथड अगर आप करना चाहो तो हम ये वाला मेथड भी कर सकते हैं एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन इंटू समेशन वाई स्केयर माइनस समेशन वाई होल स्केर इनकी वैल्यू पुट कर लो बी आ जाएगा हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ एक्स ऑन वाई आ गया हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव ये बी आ गया हमारे पास और फॉर्मूला क्या था हमारे पास एक्स ऑन वाई का एक्स बार इज इक्वल एक्स इज टू ए प्लस बी वाई था ना हमारे पास तो ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स बार माइनस बी वाई बार तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स बार हमने फाइंड आउट कर लेंगे समेशन एक्स अपॉन एन से और वाई बार भी कर लेंगे समेशन वाई अपॉन एन से और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपल हमारे पास तो हमारा आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू आने के बाद इसमें दोबारा से पुट कर दो ए प्लस बी वाई नेक्स्ट है आपके पास ऑप्टेन द इग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन मैथड जब स्पेशली लिखा हुआ है तो हमें यही मैथड यूज़ करना और कुछ नहीं तो हमें वाई ऑन एक्स चाहिए वाई ऑन एक्स का मतलब क्या है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई और इनका समेन जब इनको लगाएंगे तो समेसन वाई एन ए प्लस बी समेन वाई चाहिए मतलब ये चीज़ें चाहिए एक तो हमें एक्स है सॉरी यहाँ पर और दूसरा हमें चाहिए y है तो x वाले से मल्टीप्लाई समेशन एक्स वाई ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी समन एक्स केयर ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारी ये सेकेंड बनेगी इनकी वैल्यूज़ हमें चाहिए तो x है हमारे पास y भी है x की y से मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स वाई आ जाएगा एक्स केयर कर लीजिए तो एक्स केयर आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है हाँ ये आ गया हमारे पास सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी इसमें वैल्यू कर पुट करने के बाद सोल्व कर लिया सोल्व करने के बाद बी की वैल्यू आ गई फिर ए की वैल्यू निकाल ली फिर उसमें पुट कर दिया वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में एक्स एजिटिव फिर एक्स की वैल्यू इसने कहा टेन है तो टेन पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट इज गिवेन एग्जाम्पल नंबर थर्ड इज गिवेन द फॉलोइंग डाटा एन इज इक्वल टू एट समेशन एक्स इज इक्ल टू ट्वेंटी वन समेन एक्स के नाइन वाई फोर वाई सिक्सटी एट समीशन एक्स वाई इज टू थर्टी सिक्स यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन मैथड फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई ये को दोनों निकालने हम वाई ऑन एक्स भी निकालना है एक्स ऑन वाई भी निकालना है वाई ऑन एक्स का क्या निकलेगा वाई इज इक्ल टू ए प्लस बी एक्स और एक्स ऑन वाई का एक्स इज इक्ल टू ए प्लस बी वाई मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स इज टू टेन इस वाले में एक्स की जगह टेन कर देना वाई की वैल्यू आ जाएगी इस वाली इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट कर देना तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अब रिग्रेशन इक्वेशन जो हमारे पास वाई ऑन एक्स है उसका फॉर्मूला है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अब हम जैसे ये गिवन है तो इसमें वो वाली वैल्यू नहीं लगा सकते अगर हम चाहें ना ये समेशन वाला लगा लें तो समेशन वाली हमारे पास सारी चीज़ें नहीं होंगी एक बार देख लेते हैं अगर समेशन वाली सारी चीज़ें हैं तो हम वो लगा लेंगे देखो y इज इक्ल टू फर्स्ट वाला है a प्लस बी एक्स समेन वाई इज इक्ल टू एन ए प्लस बी एक्स क्यों और b समेशन x सॉरी और y वाले जब करेंगे तो एक्स वाई इज इक्ल टू ए x एक्स प्लस बी समे एक्स ये चाहिए देख लेते हैं समेशन y की वैल्यू है यस yes है तो वो आ गया फोर इज इक्ल टू एन है हमारे पास एट और ए नहीं है प्लस बी एक्स केयर की वैल्यू है हमारे पास नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन बी और यहाँ से जब करेंगे समेशन एक्स वाई की वैल्यू है थर्टी सिक्स ए समेशन एक्स है समेशन एक्स की वैल्यू है आपके पास ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ए प्लस समीशन एक्स क्य हमारे पास नाइन्टी नाइन सॉरी तो यहाँ पर समीशन एक्स था ट्वेंटी वन बी यहाँ नाइन्टी नाइन बी अब आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको सोल्व करेंगे चलो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ट्वेंटी वन से और इसको कर लेते हैं एट से ट्वेंटी वन करेंगे एटी फोर वन सिक्सटी एट ए प्लस फोर फोर वन बी और इसको एट से करेंगे टू एटी एट इजिकल टू ट्वेंटी वन इंटू एट वन सिक्सटी एट ए प्लस एट नाइन जो सेवेंटी टू सेवेंटी टू और सेवेंटी नाइन भी माइनस कर लीजिए इनको ये कट हो गया माइनस टू जीरो फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री फिफ्टी वन बी तो बी की वैल्यू आ जाएगी टू ज़ीरो फोर अपॉन थ्री फिफ्टी वन इसको सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके फिर बी की जो वैल्यू आएगी ए में कर लेंगे और फिर इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करके एक्स रखेंगे और जो थर्ड वाला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा और इन्होंने जो किया है ये वाला मेथड भी ठीक है हमारे पास हम इससे भी कर सकते हैं बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इन टू समन वाई अप एन इंटू समेशन एक्स के माइनस समेशन एक्स होल्स के जो जो वैल्यू गिवन है यहाँ से बी आ जाएगा एक्स बार आ गया वाई बार आ गया इसमें पुट कर दो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार ए की वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू आने के बाद फिर उसमें पुट करोगे ए प्लस बी एक्स में आ जाएगा ऐसे ही हमारे पास एक्स ऑन वाई हम निकालेंगे एक्स इजिकल टू ए प्लस बी वाई से इसको सॉल्व करके और फिर उनकी वैल्यूज पुट हो जाएंगी थर्ड फोर्थ से पार्ट में यही था हमारा देखो इसमें कर लिया एक्स इजिकल टू ए ज़ीरो प्लस बी ज़ीरो वाई इसमें वैल्यू पुट कर ली यहाँ से सॉल्व करके आ गया दिस प्रोडिक्शन फॉर वाई वाई के लिए जब एक्स की वैल्यू टेन है यहाँ पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा फिर वाई के लिए कर दीजिए तब भी हमारा ये आंसर आ गया दैट्स ऑल अबाउट टुडे होपफुली आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट और वीडियो अच्छा लगे आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू